हे गाइस, दिस इज़ आरती एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल लर्न लाइवली। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हम सभी की फेवरेट ऑरेंज कैंडी की रेसिपी, जो कि हम सभी की फेवरेट होती थी बचपन में और मेरी तो अभी भी है। तो आइए हम इसको फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैंने पैन को रख दिया है गैस पर और अब हम इसमें करेंगे आगे का प्रोसेस। तो अब हम इसमें ऐड करना है शुगर। यहाँ पे मैंने शुगर लिया है 1/3 कप। तो मैं यहाँ पे हाई फ्लेम पर शुगर को कर रही हूँ अच्छे से गरम। आप चीनी को चलाना बिल्कुल भी ना छोड़ें, इसको लगातार आप इस तरीके से चलाते रहें। जैसे ही आपको लगे कि आपकी चीनी पैन में चिपकने लगी है तो आप गैस की फ्लेम को कर दें लो। लो फ्लेम करने के बाद आप इसको 30-40 सेकंड तक भूनें और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून वाटर। तो मैंने 1/3 कप में 2 टेबल स्पून वाटर लिया है और अब इसको हम अच्छे से पर पकाएंगे जब तक कि हमारी चीनी अच्छे से गल ना जाए। और आप इसको लगातार चलाते रहें वरना आपकी चीनी जल सकती है। अब धीरे धीरे आपको चीनी का कलर होता दिखेगा ब्राउन। तो ये देखिए गाइस, हमारी चीनी अच्छे से हो गई कैरमलाइज, एकदम पानी इसका सूख गया है। और अब हमें इसमें डालना है 2 चम्मच और पानी। गाइस, पहले मैंने पानी डाला जब हमारी चीनी थोड़ी सी भून गई थी और उसके बाद जब चीनी पूरी तरीके से सूख गई फिर मैंने इसमें डाला 2 चम्मच पानी। और अब जब चीनी अच्छे से पूरी तरीके से फिर से घुल गई है, आप देख रहे होंगे जो चीनी सूख गई थी वो फिर से पूरी मेल्ट हो गई है। तो अब मैं इसमें फिर से डाल रही हूँ 2 चम्मच पानी और अब हमको इसको पकाना है अच्छे से। आप इसको लो फ्लेम पर ही पकाएं। तो गाइस, मैं भी इसको लो फ्लेम पर अच्छे से स्टर करते हुए पका रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको चीनी को इस तरीके से लो फ्लेम पर पकाते रहना है और थोड़ी थोड़ी देर पर आप चीनी को पानी में डालकर चेक करते रहें। अगर चीनी आपकी ड्रॉप की तरह बन जाती है इसका मतलब आपकी चीनी तैयार है। या फिर आप उंगलियों में इस प्रकार लेकर चेक कर सकते हैं, अगर इस तरीके से तार बन रहे हैं इसका मतलब हमारी चाशनी तैयार है। तो अब मैं इसमें डालती हूँ ऑरेंजेस को। यहाँ पे मैंने लिया है पूरे 1.5 कप ऑरेंजेस, मतलब कि 3 ऑरेंजेस मैंने लिए हैं। अब मैं इसको इसमें डाल रही हूँ और इसको हमें करना है अच्छे से मिक्स। और साथ में मैं ऐड कर रही हूँ इसमें बिल्कुल 1 पिंच सॉल्ट और 1 पिंच करी ब्लैक सॉल्ट। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी कैंडीज में। जो हमने शुगर सिरप बनाया है उसमें हमको अच्छे से इन ऑरेंजेस को पूरे अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से। आप लो फ्लेम पर ही प्रोसेस करें। जब आपके ऑरेंजेस पूरे अच्छे से मिक्स हो जाए, सब पर आपकी शुगर कोटिंग आ जाए, तब आप गैस की फ्लेम को हाई कर दें। और हाई फ्लेम पर हमको इसको थोड़ा सा पकाना है, हमको ऑरेंजेस को ज़्यादा नहीं पकाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं कर रही हूँ गैस को बंद। तो गाइस, गैस की फ्लेम बंद करने के बाद आपको तुरंत निकाल लेने हैं सारे ऑरेंजेस को एक अलग बर्तन में। गाइस, पैन से निकालने के बाद हमको इसको करना है थोड़ा सा ठंडा। तो ये देखिए, जिस पैन में हमने बनाया था उसमें जो भी चीनी बची थी वो इस प्रकार से जम रही है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी चीनी को पकाना है। तो अब यहाँ पे ये हो गए हैं अच्छे से ठंडे ऑरेंजेस। यहाँ पे मैंने लिया है 2 तरह से चीनी, एक है पाउडर्ड शुगर और एक है जैसी शुगर होती है साबुत वैसी। तो मैं आपको दोनों में इसकी कोटिंग करके दिखाती हूँ। आपको एक एक ऑरेंजेस को लेना है और इस तरीके से आपको इसको डिप करना है शुगर में और देन निकाल लेना है। अब मैं आपको एक पाउडर्ड शुगर में लगा के दिखाती हूँ। ये एक ऑरेंज लिया और इसको आप अच्छे से करें डिप। मुझे देखने में ज़्यादा अच्छी ये वाली लग रही है। तो मैं इस तरीके से सारी कैंडीज को बना लेती हूँ। तो ये देखिए गाइस, हमारी फ्रेश होममेड ऑरेंज कैंडीज बनकर तैयार हैं और ये काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। अब आप चाहें तो इनको फ्रीज़र में रख दें 5 मिनट के लिए, या फिर ऐसे ही फ्रिज में रख कर 1 हफ्ते तक आप खा सकते हैं। तो आप इस बार जब भी ऑरेंज घर पर लाएं तो इस प्रकार कैंडीज ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी हमारी कैंडी बनकर तैयार है।